Hi friends, welcome back to my channel, Aashna's Cookbook. आज मैं आपके लिए लाई हूँ जिंगी पार्सल की रेसिपी, वो भी डोमिनोज स्टाइल। मैं जानती हूँ आजकल का माहौल ऐसा है कि आपको डोमिनोज की बहुत याद होती होगी, इसलिए मैंने आपके लिए डोमिनोज स्टाइल जिंगी पार्सल की रेसिपी बनाई है, जिसको आप पनीर पार्सल्स भी बोल सकते हैं। मैंने चिकन पिज़्ज़ा पार्सल्स की रेसिपी बनाई थी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। तो वॉट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, पास का बेल आइकन प्रेस करें और ऑल का जिंगी पार्सल्स बनाने के लिए हम डो प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल में थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है। ये पानी सिर्फ इतना गर्म होना चाहिए कि आप इसमें अपनी उंगली डाल सकें। अब मैं इसमें 1/4 teaspoon सॉल्ट डाल दूँगी और 1 teaspoon शक्कर भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं इसमें 1 teaspoon खमीर यानी कि यीस्ट डाल दूंगी। अगर आपका यीस्ट पुराना हो तो आप 2 से 3 teaspoon यीस्ट डालें। इसे हल्के से मिक्स कर मैं इसे ढक के रेस्ट करने के लिए रख दूंगी ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। 10 मिनट बाद हमारा यीस्ट एक्टिवेट हो चुका है, हम इसे देख सकते हैं। तो अगर आपका पानी ज़्यादा गर्म होगा तो ये इस तरीके से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। अब हम इसमें 1.5 cup मैदा डाल लेंगे। मैदा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 tablespoon तेल और अब हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon पिज़्ज़ा सीजनिंग या फिर आप ओरिगैनो या मिक्स्ड हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से गुनगुना पानी मिलाते हुए इसका एक डो बना देंगे। आपका डो ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट, तो आप देख सकते हैं। अब हम इसे टक करेंगे इस तरीके से स्ट्रेच कर, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से स्ट्रेच कर टक कर दिया है। अब मिक्सिंग बोल जो हमने यूज़ किया था उसके नीचे हम थोड़ा तेल लगाएंगे और ऊपर भी डो को रख के इस तरीके से तेल ब्रश कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। अब हम इसे ढककर रेस्ट करने के लिए रखेंगे किसी गर्म जगह पर 2 घंटे के लिए या जब तक हमारा डो डबल नहीं हो जाता। स्टफिंग के लिए मैंने 100 ग्राम पनीर को इस तरीके से काट लिया, आप चाहे तो छोटे टुकड़े लें। अब मैंने 2 tablespoon वेज मेयोनीस ले लिया है, 1/2 teaspoon गरम मसाला ले लिया है, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर ले लिया है, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 teaspoon पेपर पाउडर ले लिया है, 1/2 teaspoon पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स 1/2 teaspoon ले लिया है। अब ये सारे मसाले हम पनीर के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है तो अब हम इसे ढककर 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। हम बटर स्प्रेड बनाएंगे, उसके लिए मैंने 2 tablespoon बटर को मेल्ट कर दिया था और उसमें 4 से 5 लहसुन की कलियां इस तरीके से क्रश करके डाल दी थी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन अगर आपको गार्लिक ना पसंद हो तो आप सिर्फ बटर इस्तेमाल करें। अब 2 घंटे हो चुके हैं हमारा डो, हम चेक करते हैं। वाओ, तो हमारा डो 2 घंटे में फूल चुका है परफेक्टली। अगर आपका मौसम ठंडा हो तो आप इसे ज़्यादा देर रखें जब तक ये डबल ना हो। तो अब हम इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे और इस तरीके से रोल इसका बना देंगे और इसे कट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसे 5 equal टुकड़ों में कट कर रही हूँ। अब इसमें से 1 लुआ हम रखेंगे और बाकी का हम ढक कर रख देंगे। 1 लुए को लेकर हम जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसे बेलना है। थोड़ा सा मैदा लगाते हुए हम इसे गोल बेल देंगे। अब हमने जो बटर स्प्रेड बनाया था वो हम इस पर लगा देंगे। हमें किनारों पे बटर स्प्रेड नहीं लगाना है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में मैं इसे किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। हमें एक इसे ट्राइंगल के शेप में फोल्ड करना है। तो ये मैंने दूसरा साइड भी फोल्ड कर दिया है और ये तीसरा साइड भी। तो हमारे ट्रायंगल अच्छे से बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा और बटर स्प्रेड इसके बीच में लगाएंगे और जो फिलिंग बनाई थी वो भी डाल देंगे। फिलिंग की मात्रा ज़्यादा ना रखें, नहीं तो आपके जिंगी पार्सल्स अच्छे से बेक नहीं हो पाएंगे। अब हम ये ट्रायंगल के साइड्स जो हैं कोने हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से लगा देंगे ताकि हम इसे अच्छे से सील कर सकें और एक साइड को उठाकर इस तरीके से रख देंगे और दूसरे साइड को भी इसी तरीके से लगाकर
सील कर देंगे। तो ये तीसरा वाला भी मैंने लगा दिया है और इसे थोड़ा सा जेंटली प्रेस कर देंगे तो आप इसका शेप देख सकते हैं। इसके बाद हम इस पर थोड़ा और बटर स्प्रेड लगाएंगे। बटर स्प्रेड लगाने के बाद हम इस पर थोड़ा सा ओरिगैनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग इस तरीके से छिड़क कर थोड़ा जेंटली प्रेस कर देंगे। बिना ओवन के बनाने के लिए मैंने एक एल्यूमिनियम प्लेट ले लिया है जिसे मैंने तेल से ग्रीस कर उस पर मैदा डस्ट कर लिया है और एल्यूमिनियम फॉइल की पट्टी बना ली है। हाँ, मैंने एक पतीले को प्रीहीट कर दिया है जिसका मैंने होल आटे से बंद कर दिया है। मैंने इसमें एक स्टैंड रखकर इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक प्रीहीट कर दिया था। अब मैं हमारे जिंगी पार्सल इस तरीके से इसके अंदर रख दूंगी और फिर मैं इसका ढक्कन लगाकर इसे बेक होने के लिए रख दूंगी। 30 से 35 मिनट तक हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। ओवन में जिंगी पार्सल्स बनाने के लिए मैंने एक बेकिंग ट्रे को तेल से ग्रीस कर लिया है और उस पर मैदा डस्ट कर लिया है। उस पर हमारे जिंगी पार्सल्स मैंने रख दिए हैं और 180 डिग्री प्रीहीटेड कन्वेक्शन मोड ओवन पे मैं इसे लो रैक पर रखकर बेक होने के लिए रख दूंगी लगभग 20 से 25 मिनट तक। तो ये देखिए, हमारे शानदार जिंगी पार्सल तैयार हो चुके हैं। आप इसे केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, एकदम फुल टू डोमिनोस स्टाइल, घर पे विदाउट ओवन विद ओवन दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत ही डोमिनोस की तो एकदम आपको घर पे ऐसा लगेगा जैसे डोमिनोज आ गया है, बाहर से आपने डिलीवरी कराई। इतनी सुपर है, आप भी बनाएं, सबको खिलाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिले। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।